हेलो माय डियर पेरेंट्स, माय नेम इज दीपक बंडवाल। आई एम वेरीफाइड एजुकेटर्स ऑन फिलो एज वेल एज ऑन चैट। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा था इक्विलिब्रियम में हमने दो लेक्चर देखा था कंटिन्यू। टोटल हम लोगों को 13 पॉइंट इस यूनिट में पढ़ना था, जिसमें से हमने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन और सेकेंड पार्ट हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पांच टाइप्स था फिजिकल इक्विलिब्रियम का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। एट फर्स्ट, बिना देर किए हुए मैं हेडिंग देता हूँ, आप कॉपी और पेन लेकर के फटाफट नीचे बैठ जाइए। ठीक है, और कंटिन्यू मेरे साथ नोट्स बनाइए। मैं एनसीईआरटी बुक को लेकर के उसके साथ साथ साइड बुक को और जेई मेंस, नीट और आपके एकेडमिक लेवल जो भी ऑल ओवर इंडिया के कोई भी बोर्ड से हैं आप, वो सारे को मैं लेकर के फॉलो करूँगा। ठीक है, तो कंटिन्यू, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। चलिए, एट फर्स्ट सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लिखिए इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है, चलिए ये हेडिंग दीजिए। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या अभी इससे पहले हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते थे? फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या था कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा था। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है लिक्विड में, लिक्विड है गैस में, है ना, तो गैस है वेपर में, है ना, लिक्विड है तो उसको लिक्विड है तो उसको गैस के साथ डिजॉल्व कर रहे थे, है ना, तो सॉल्यूट है, सॉलिड है तो उसको सॉल्यूशन के साथ डिजॉल्व कर रहे थे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा जो रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन है और प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट क्या रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके क्या रिएक्टेंट बना देगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक तरह से रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। कैसा है? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एट फर्स्ट हम पहले एक दो एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे देखिए, एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, ठीक है, तो N2 नाइट्रोजन गैस को यदि हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए, ठीक है, तो क्या एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन देता है जिसमें क्या बनता है NH3। इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2NH3। यहाँ पे देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलने से क्या बन रहा है, NH3 अमोनिया बन रहा है, अमोनिया जो गैस, ठीक है, और अमोनिया वापस रिएक्ट करके टूट करके फिर से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन क्या एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल। मतलब रिवर्सिबल किसको बोलते हैं? देखिए, रिएक्शन दो तरह का होता है, एक इरिवर्सिबल एक रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा, और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन को बोलते हैं क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक दो और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हुआ, एग्जांपल नंबर 2 अगर देखा जाए, पीसीएल फाइव को अगर लिया जाए, ठीक है, तो ये ब्रेक करके क्या बनेगा, पीसीएल3 भी गैस में और सीएल2 भी क्या गैस में, ठीक है, और ये दोनों मिलकर भी क्या बनाएगा, ये बनाएगा। ठीक है, एक और कोई एग्जांपल लें, और एग्जांपल लें तो N2 गैस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों एग्जांपल हमारे पास होंगे, लेकिन मैं फ्यू एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलेगा, क्या बनेगा, बन जाएगा यहाँ पे N2O4। ये सब गैस क्या है, ये सारे गैस क्या है, एक ये सारे रिएक्शन जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके कारण इसको क्या बोला गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले एट फर्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग दे ही लेते हैं क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेस पढ़े हैं ना। सबसे पहला हेडिंग क्या होगा हमारा, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। चलिए फटाफट हेडिंग दिए केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे कि वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता हो और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाता हो। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, द इक्विलिब्रियम विच इज सेट अप इन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, द इक्विलिब्रियम, ठीक है, विच इज सेटअप, सेटअप मतलब स्थापित होता है, कैसे रिएक्शन में, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, विच इज सेटअप इन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जो स्थापित होता है उसी को क्या बोलेंगे, इज कोल्ड क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इज कोल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको फटाफट नोट कीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है क्या, रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल आ रहा है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे रिएक्शन दो तरह का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो
एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से ऑल्सो रिएक्टेंट बन सकता है, बट इरिवर्सिबल में क्या होगा, ओनली प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जितने रिएक्शन लिखे हैं सब रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल हैं, आप फटाफट इसको नोट कीजिए। मैं फिर से पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा पहले रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, फिर से इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नोट किया फटाफट इस पॉइंट को, चलिए फटाफट इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लिख लिए होंगे। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एग्जांपल यही रहेगा। ठीक है, एग्जांपल आपको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से बार बार कर रहा हूँ मैं, जो भी यहाँ पर जो लिखूंगा मैं, है ना, हेडिंग क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन बोले हम लोग, और इसका एग्जांपल तीनों रिवर्सिबल रिएक्शन का ही एग्जांपल है, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल सेम है, इसलिए एग्जांपल आप वही वाला एग्जांपल यहाँ पे भी रहने दीजिए। ठीक है, दोबारा एग्जांपल लिखने की जो आपको जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन लिखिए जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे डेफिनेशन में, किस रिएक्शन से क्या बन रहा है, बोलेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट फॉर्म क्या प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म क्या रिएक्टेंट, है ना। चलिए लिखते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट फॉर्म्स, देखिए दी केमिकल रिएक्शन क्या लिखेंगे, दी केमिकल, समझ में आ रहा है आप लोग को, द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स मिलके क्या करता है प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट फॉर्म क्या प्रोडक्ट्स, एज वेल एज साथ ही साथ प्रोडक्ट्स, ठीक है, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स ऑल्सो फॉर्म, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ऑल्सो फॉर्म क्या रिएक्टेंट, ऑल्सो फॉर्म रिएक्टेंट, ये भी क्या बनाएगा रिएक्टेंट बनाएगा, और इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ऑल्सो फॉर्म रिएक्टेंट्स, ठीक है, आर कोल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे हैं, सबको लिखिए, इसी से हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट और आगे जो आ रहा है मेन मेन कॉन्सेप्ट, वो यही सबसे हम लोग को डील होगा। चलिए नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, एंड एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को, चलिए एग्जांपल लिख लीजिए इसके नीचे, मैं मिटा करके यहाँ पे इसके नीचे आप एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना, सेम एग्जांपल होगा इसका भी। ठीक है, चलिए हेडिंग दे दीजिए इसके नीचे क्या, रिवर्सिबल के नीचे क्या, ई रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बोले सर, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या ओनली प्रोडक्ट बनता हो, प्रोडक्ट ऑल्सो रिएक्टेंट बना नहीं सकता। ठीक है, तो इसका भी लाइन, एक ही लाइन का ही डेफिनेशन होगा। ठीक है, उसका भी हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। बोलोगे सर डेफिनेशन क्यों लिखा, देखो डेफिनेशन लिखाने का मेरा मेन मकसद यही है कि एट फर्स्ट आप एकेडमिक लेवल पर फोकस करें, एकेडमिक लेवल जब आपका बन जाएगा तो अपने आप इस, पहले देखिए पहले आपका ना बुनियाद मजबूत होना चाहिए, समझे, फाउंडेशन मजबूत होगा ना तो जेई मेंस नीट जो भी एग्जाम आपको देना है सारा मजबूत होगा। ठीक है, एट फर्स्ट पहले पॉइंट को समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसे एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें क्या बनेगा, CO2 गैस, वापस बोले CO2 गैस को तोड़ करके हम कार्बन और ऑक्सीजन बना देंगे, ये बनेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कार्बन ऑक्सीजन मिलकर, मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर ओनली प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट डज नॉट गिव्स क्या रिएक्टेंट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब वापस इसको लाया जा सकता नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू अगर बात करें, ठीक है, तो एच टू प्लस ओ टू क्या बनेगा, एच टू ओ, बैलेंस कर दीजिए यहाँ पे, अगर टू जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू यहाँ से, है ना, एच टू ओ, ये भी क्या प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट वापस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम एन ए सी एल को ए जी एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, एन ए एन ओ थ्री बन जाएगा प्लस ए जी सी एल बन जाएगा, है ना, है ना, दिस थ्री, ये तीनों जो है थ्री काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर नॉन एज क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे सर, इसमें ओनली प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट दोबारा, हाँ एक चीज़ और, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हाफ एरो, किसको, रिवर्सिबल रिएक्शन को, ठीक है, घेर दिए यहाँ पे, समझ रहे ना, हाँ, लेकिन ई रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं, सिंगल सिंगल एरो से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं पहले, ई रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स ओनली फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म क्या रिएक्टेंट। ठीक है, लिखिए द केमिकल रिएक्शन, है ना,
इन विच रिएक्टेंट्स क्या फॉर्म कर रहा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स क्या बना रहा है, रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, बट प्रोडक्ट्स डू नॉट फॉर्म क्या, रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स को नहीं कहलाएगा, ठीक है, रिएक्टेंट्स नहीं बनाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन या इज कोल्ड क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इज कोल्ड क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। नीचे जो भी एग्जांपल दिए हुए क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन दिए हुए, लेकिन ये दोनों तो हमारा एक लेवल का बात हो गया, लेकिन यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है सर, ये दोनों लिखा तो रहे हैं पर हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात करते हैं, मज़े की बात हमारे लिए ये होगा कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं वो इरिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकता। मतलब क्या सर, हम कन्फ्यूज हो गए, मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल, बट इरिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट बिकम्स रिवर्सिबल। क्या बोल रहे सर, समझ में नहीं आया, मैं इसे लिख के बताऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलिए इसको मिटाते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो भी मैंने बोला उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे क्या है, अभी क्या बोल रहे हैं फिर से रिपीट कीजिए एक बार मन में, है ना। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है वीडियो देखते वक्त, तो एक बार डीप ब्रीथ कीजिए, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कीजिए, ठीक है, बाहर थोड़ा सा घूम लीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए चलते हैं, कैसे लग रहे हैं जी, थोड़ा सा कमेंट वमेंट करके बताइए, अच्छा लग रहा है, जच उज रहा है ना सूट वूट थोड़ा सा, सोचा बार बार टी शर्ट पहन रहे थे, सोचा आज पहन लेते हैं, है ना। चलिए कंटिन्यू, चलिए पहनना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं मज़ेदार बात। अरे क्या मज़ेदार बात है सर, बहुत ही मज़ेदार बात है जी। चलिए पहले मैं एग्जांपल से समझते हैं मज़ेदार इसमें है क्या। अगर हम एक ओपन, दो तरह का हम सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, एक ओपन सिस्टम एक क्लोज सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक ओपन सिस्टम एक क्लोज सिस्टम, ठीक है, देखिए जैसे क्लोज सिस्टम, कैसा सिस्टम, क्लोज, ठीक है, क्लोज सिस्टम मतलब चार पटे से पैक होगा। अगर आप हम ले लें आयरन, ठीक है, और आयरन को जो हम एच2SO4 सिलेक्शन करा दें, ठीक है, आयरन ऑलवेज, आयरन जो होता है, सॉरी एच2SO4 से नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, आयरन को हम सिंपली वाटर सिलेक्शन करा दें, ठीक है। आयरन किस में होता है, आयरन जो होता है सॉलिड में होता है, वाटर मतलब आयरन को लिक्विड वेपर में पास करा दिया जाए, ठीक है, क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe3O4, ठीक है, आयरन फेरिक ऑक्साइड, देखिए Fe3O4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब देखिए क्लोज सिस्टम रहा तो ये दोनों रिएक्टेंट से मिलकर के जो प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों रिएक्टेंट से मिलकर के क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट मतलब हाइड्रोजन गैस कंटेनर के अंदर है तो बाहर निकल के नहीं जाएगा, कंटेनर के अंदर है तो बाहर निकल के कहीं नहीं जाएगा, तो ये रिएक्शन क्या रिवर्सिबल में रह जाएगा। बट कहीं ओपन कंटेनर ले ले, कैसा कंटेनर ले ले, सेम रिएक्शन को रिपीट कर रहे हैं किसमें, ओपन सिस्टम में, ओपन सिस्टम में क्या होगा सर, आयरन लिए, इसको बैलेंस कर दिए थोड़ा सा, Fe3O4 है ना, यहाँ पे तीन लगा देते हैं, H2 ऑक्सीजन चार है ना, ऑक्सीजन चार लेंगे तो Fe3O4 बन जाइए, ठीक है, चार दोनों आठ, चार यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आयरन को अगर वाटर से रिएक्शन करा दें, ठीक है, सेम वही रिएक्शन है, लेकिन ये क्या हो गया सर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। इसमें क्या हुआ सर, इसमें जो हाइड्रोजन गैस यहाँ बना ना, हाइड्रोजन गैस जो बना, मजे की बात यहाँ पर यही है कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ जो बना, गैस में बना लेकिन ये इस्केप कर गया, मतलब उड़ गया, कंटेनर से ही उड़ गया। अब कंटेनर से उड़ गया तो प्रोडक्ट में बचा क्या हाइड्रोजन, अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बचा ही नहीं, ये रिएक्टेंट में वापस जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या, दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब बोल सकते हैं या इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या कि इरिवर्सिबल रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल, ठीक है, ए रिवर्सिबल रिएक्शन बिकम्स, ठीक है, क्या बिकम्स इरिवर्सिबल, क्या हो जाता है, ई रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी एक
प्रोडक्ट्स, ठीक है, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज गैसियस, ठीक है, जो किसमें चला जाए, विच इज गैसियस, ठीक है, जो किस कौन अवस्था में चला जाए, गैसियस अवस्था में, ये क्या होगा, इज एस्केप्ड आउट, इज इज अलाउड टू एस्केप्ड आउट, अलाउड टू एस्केप्ड आउट, ठीक है, ये गैस बन करके क्या निकल जाएगा, गैस निकल के, अब गैस बन के बाहर चला जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन रहा ही नहीं, तो वापस रिएक्टेंट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, दैट इज कॉल्ड क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर मजे की बात यही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल हो सकता है, बट इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये लिखिए दोनों मजे की बात, ठीक है, एग्जाम में पूछ भी सकता है एक नंबर में कभी कभार, ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, अब चलते हैं हम लोग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर एक और पॉइंट है यहाँ पे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सर केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है और अभी नाइट है ना, नाइट में लगभग 2 बज रहा है अभी, और 2 बज रात में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, नहीं कोयल कहाँ से, कोयल कहीं से चूची आवाज़ कर रही है, देखो भाई पढ़ने के लिए ना जुनून चाहिए, किसी भी काम करने के लिए आपको जुनून चाहिए, और जब तक जुनून नहीं आएगा ना तब तक मज़ा नहीं आएगा, बोलते हैं ना राह में आह नहीं निकले ना फिर सक्सेस का मज़ा ही नहीं आएगा, राह में आह निकलनी चाहिए अंतिम सांस तक, तब जो सक्सेस मिलती है ना उसका एन्जॉयमेंट ही अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, और हेडिंग डालते हैं फटाफट, हेडिंग क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम व्हाट एक्चुअली में है क्या, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करें सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक जनरल रिएक्शन, ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए एक जनरल रिएक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, जनरल रिएक्शन, अब जनरल रिएक्शन क्या हुआ सर, देखिए सर हम जनरल रिएक्शन लेते हैं क्या, ए प्लस बी क्या बनेगा बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, सी प्लस डी, ए प्लस बी लेंगे तो बनेगा क्या, सी प्लस डी, अब देखिए हम लोग लेते हैं क्या, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा मतलब एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा मतलब अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टी इक्वल टू जीरो मतलब क्या, रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, मतलब जब हम लोग रिएक्टेंट ला करके क्या रखे हैं, बस रिएक्टेंट लाए हैं और जमा करके रखे हुए हैं, तो उसमें रिएक्टेंट क्या मैक्सिमम अमाउंट में होगा, जो भी होगा मैक्सिमम उसी टाइम ना होगा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, सपोज दैट हम जैसे सिंपल एग्जांपल बनाते हैं जिसमें जैसे हम लोग देखा जाए एक बेस्ट एग्जांपल थोड़ा सा सोचा जाए तो सोचिए आटा बनाना, रोटी बनाना, ठीक है, देखिए रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, आटा लेते हैं, आटा को गूंथते हैं, है ना, एक करके लोई बनाए, लोई बना करके क्या, लोई धीरे धीरे क्या हो ख़त्म हो रहा है आटा का लोई, और धीरे धीरे क्या रोटी तवा पे पक पक के क्या अलग हो रहा है, तो रोटी का घटना है ना, रोटी वाला लोई को गीला वाला लोई का घटना और रोटी पक पक के बनना, रोटी पक पक के बनना प्रोडक्ट, और रोटी लोई का घटना गीला वाला लोई का क्या घटते जाना, बेलते जाना, मम्मी लोग बेलती है ना, आप लोग भी बेलते होंगे ना, बेल बेल के ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम स्टार्ट नहीं किए थे रोटी पकाना तो मैक्सिमम लोई था, हाँ जब फाइनल रिएक्शन हो गया पूरा लोई खत्म हो गया तो रोटी मैक्सिमम हो गया, है ना, चलिए जब टाइम टी इक्वल टू जीरो देन रिएक्टेंट मैक्सिमम रिएक्टेंट आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, तब क्या होगा मैक्सिमम, तब रिएक्टेंट क्या होगा मैक्सिमम, लेकिन बात करें रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट क्या होगा मिनिमम इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा मिनिमम, ठीक है, इक्वल टू क्या जीरो, ठीक है, अब एट टाइम टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू क्या होगा टी, तो देखिए ए प्लस बी से क्या होगा यहाँ पे सी प्लस डी, देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी मिनिमम से यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, मिनिमम से क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, सॉरी जब टाइम टी इक्वल टू मतलब एट कुछ समय के बाद ये रिएक्टेंट क्या खत्म हुआ होगा, जैसे हम एग्जांपल क्या बोले कि लोई बन करके सब प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्या मिनिमम, या फिर बोल सकते हैं क्या इक्वल टू जीरो भी, इक्वल टू जीरो, ठीक है, बट इसी टाइम ये क्या होगा मैक्सिमम, है ना, अगर इसको हम ग्राफ में अगर दिखाया जाए थोड़ा सा, मैं इधर ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये है रेट, ठीक है, रेट मतलब दर,
ठीक है, किस दर से क्या बन रहा था और किस दर से क्या खत्म हो रहा था। ठीक है, नीचे क्या टाइम, हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट का बढ़ना, ठीक है, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा, देखिए एक टाइम पे रिएक्टेंट इतना बढ़ा, ठीक है, मतलब रेट, और दूसरे टाइम पे क्या, ठीक है, देखिए एक लाइन यहाँ से पास होगा, ठीक है, ये जहाँ पे मैक्सिमम पहुँचा, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम पहुँचा, जहाँ से फिर रिटर्न आना स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसा पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है ये बैक को, देखिए ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, फॉरवर्ड मतलब ऊपर से क्या है रिएक्टेंट ए प्लस बी, ए प्लस बी खत्म हुआ यहाँ तक मैक्सिमम पहुंचा खत्म होकर के, जैसे खत्म होकर के सारा चेंज हुआ कितना, सी प्लस डी। अब सी प्लस डी, सी प्लस डी वापस क्या आ रहा है हमारा रिएक्टेंट में। ठीक है, तो ये हो गया क्या बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इस कंप्लीट रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे दैट इज, दैट इज जितना भी हम लोग यहाँ पे देखे, ठीक है, इस सारे पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, दैट इज स्टेज कम्स, स्टेज कम्स, ठीक है, एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू, इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फुल स्टॉप। द रिएक्शन इज देन सेड टू बी, द रिएक्शन इज देन, तब इस रिएक्शन का हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज देन सेड टू बी, सेड टू बी मतलब कहेंगे, क्या कहेंगे, सेड टू बी इन स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेट को इन स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब इस पॉइंट पे जब आ गया उसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, दोनों इक्वल हो जाए, इसको बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और एग्जाम में इस ग्राफ से क्वेश्चन देता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को वी वी आई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलिए इसको ले नोट कीजिए फटाफट, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाइए फटाफट, मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, इसे एग्जाम्पल देखते हैं आप। ठीक है, यानी चलिए इसी में एग्जाम्पल लिखेंगे अभी हम। ठीक है, एक करके सारे एग्जाम्पल जितना भी मैं अभी यहाँ लिखूंगा, सबका सब केमिकल इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब वो सारे रिएक्शन जो सबके सब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले यहाँ पॉइंट है क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ए क्लोज वेसल। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एक पहला एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन क्लोज्ड वेसल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने दो चार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए फटाफट एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड किस में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगा पर एक CO2 गैस देगा। ठीक है, दिस इज क्या, दिस इज ए केमिकल इक्विलिब्रियम, ये केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ऑल्सो टूट के रिएक्टेंट बन रहा है। ठीक है, एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4। देखिए N2O4 क्या है, N2O4 एक गैसीय स्टेट होता है, किसको तोड़ेंगे, तो नाइट्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, अभी थोड़ा देर पहले हम देखे थे। ठीक है, 2NO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन N2O4 इन ए क्लोज वेसल, ये सारे रिएक्शन किसमें होगा, क्लोज वेसल में होगा। ठीक है, ये भी N2O4 डिकम्पोज इन क्लोज वेसल, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई इक्विलिब्रियम का मैक्सिमम रिएक्शन जो होता है क्लोज कंटेनर के अंदर ही होता है। ठीक है, अगर ओपन कंटेनर में लेंगे ये गैस क्या बाहर चला जाएगा, देख रहे हैं ध्यान से, ये गैस बाहर चला जाएगा, तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ गैस ये स्टेट है। ठीक, और भी दो एग्जाम्पल हम लिख दें, एग्जाम्पल ही इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, इन क्लोज वेसल, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इन क्लोज वेसल। ठीक है,
सर ओपन वेसल में क्या लेंगे, बताया था ना ओपन वेसल में लेंगे तो क्या होगा, सब निकल के बाहर चला गया, तो फिर प्रोडक्ट बनेगा, रिटर्न बनेगा वापस, नहीं बन पाएगा ना। चलिए थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड क्या है, वो द कॉम्बिनेशन ऑफ एच टू एंड आई टू टू फॉर्म एच आई, ये भी वही कहानी है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, एच टू एंड आई टू, ठीक है, टू फॉर्म क्या एच आई, ठीक है, एच आई गैसियस मीडियम, ठीक है। चलिए एच टू गैसियस स्टेट में, ठीक है, आई टू ये भी गैसियस स्टेट में, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, टू एच आई बनेगा भी गैसियस स्टेट में, ठीक है। ये क्या है, कलरलेस, कलरलेस, ये क्या है, पर्पल कलर का, कैसा कलर का, अभी कलर याद कर ली, याद देखिए कोई भी ज़्यादा जरूरी नहीं याद करने का, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना कि जितना भी यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा ये सब का सब क्लोज वेसल्स में होना चाहिए, अगर ओपन वेसल्स में ये सब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट इसमें गैसेस स्टेट में है और गैसेस स्टेट में जो भी प्रोडक्ट जाएगा वापस रिएक्टेंट में आ नहीं पाएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन है उसको भी नोट ही कर लीजिए, कल ही मैंने इसको इसको जब नोट्स बना रहा था तभी मैंने लिख लिया था इसको भी। चलिए लिख लिए, रिएक्शंस बिटवीन फेरिक नाइट्राइड एंड पोटासियम थायोसाइनाइड सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन क्या क्या, रिएक्शन बिटवीन फेरिक नाइट्राइड, ठीक है, फेरिक नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट एंड पूरा लिख ही देता हूँ, ठीक है, जो जो मैंने लिख लिया है, ठीक है, पोटासियम, किन्हीं को अगर नोट्स चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जितना भी नोट्स बनाता हूँ ना उसको मैं पीडीएफ बना करके डाल दूंगा, ठीक है, थायोसाइनाइड सॉल्यूशन, बहुत नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, नोट्स बनाने के बाद पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए एफ ई थ्री प्लस, ठीक है, ये या फेरिक आयन, ठीक है, एक्वास में, ठीक है, जब इसको रिएक्शन करेंगे सोडियम थायोसाइनाइड होता है एस सी एन से, ठीक है, ये कलरलेस होता है, कैसा होता है, ठीक है, ये एक्वास मीडियम होगा, कैसा मीडियम होगा, एक्वास मीडियम में, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या जाएगा, मैंने कहा फेरिक एफ ई एस सी एन, ठीक है, और टोटल पे क्या टू प्लस चार्ज, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डीप और ये एक एक्वस मीडियम में भी बनेगा, ठीक है, या डीप रेड बन जाएगा, डीप रेड, ठीक है। देखिए बाकी बात सारा का सारा क्या था, ये ओपन वेसल्स में भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब क्या एक्वस में है, एक्वस में है तो ओपन में भी चलेगा, और ये सब का सब क्या ओनली क्लोज कंटेनर में, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, नोट डाउन किए, ये एग्जाम्पल है, चलिए इसको फटाफट में आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है क्या, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनेमिक नेचर, इक्विलिब्रियम का नेचर होता है क्या, डायनेमिक नेचर का होता है, उसके बाद हम फिर चलेंगे करेक्टर स्टैटिक्स के ऊपर, ठीक है, पहले इसको लिखिए बाद में मजेदार बहुत पॉइंट आएगा, ठीक है, करेक्टर स्टैटिक्स, चलिए नहीं तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा आता है, ठीक है। चलिए तब तक बने रहिए कंटिन्यू, मैं तुरंत कंटिन्यू एक और लेक्चर को बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कंटिन्यू इसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।